AMU JN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पदोन्नति को लेकर निकाला विरोध मार्च। मेडिकल कॉलेज में DACP योजना दोबारा लागू न होने से 80 डॉक्टर पदोन्नति से वंचित हैं। डॉक्टर के अनुसार 4 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर बनने का नियम है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पिछले 15 साल से एक ही पद पर काम कर रहे हैं। आज किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया है क्या? बेसिकली हम डॉक्टर्स का एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जो 2008 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपनी जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की। यूनिवर्सिटी ने 2009 में 10 में ही मेडिकल ऑफिसर्स के लिए DACP इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन टीचर्स के लिए 10 बार अब तक ऑर्डिनेंसेज बना चुकी, अप्रूवल भी मिल चुका, अब फिर उसे लिंगर ऑन कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन। तो इसलिए हम लोग मजबूरी में 8-10 साल इंतज़ार करते करते तो फिर सड़क पर उतरे हैं, है ना। और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सिस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे BHU है, जामिया है, DU है, वो भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। मतलब यहाँ ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये हम लोगों को इसको अर्ली से अर्ली इम्प्लीमेंट करें। तो क्या आपका मुख्य डिमांड क्या है? हम लोगों का बस डिमांड ये कि अभी यूनिवर्सिटी ने ऑर्डिनेंसेज बना के भेजा था मिनिस्ट्री को, वो ऑर्डिनेंसेज मिनिस्ट्री से भी अप्रूव हो गया, बस यहाँ के पार्ट पे डिले है, तो उसको अर्ली एक्सपीडिएट करके उसको इम्प्लीमेंट करें, यही डिमांड है हम लोगों का, ये सारे डॉक्टर्स का। वरना अभी हम लोगों ने अपना डिमांड के लिए जस्ट अभी हमने मार्च किया है, फिर हम आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमें आगे क्या करना है ना। अगर ये 1-2 हफ्ते में सारे डॉक्टर्स हैं, मतलब ये डिफरेंट स्पेशलिटी के सारे डॉक्टर्स हैं, हाँ ये यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के हैं, डेंटल के डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। मेरा नाम डॉक्टर दीवान इसरार खान है। ये हम लोगों का बहुत ही डेमोक्रेटिक साइलेंट प्रोटेस्ट है फिलहाल, क्योंकि ये हमारा पहला स्टेप है। हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, 6 साल हो चुके हैं इस स्कीम को यहाँ इम्प्लीमेंट होने के लिए, जो हमें हम लोगों से वादे किए गए हैं। हम बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, 6 साल हो चुके हैं। हमारे जितना भी ऑर्डिनेंसेस बदले गए थे वो UGC को अप्रूवमेंट के लिए गए थे, वहाँ से अप्रूवल आ चुका है, उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अभी तक। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जल्द से जल्द हो, एक हमको एक क्लैरिटी मिले टाइमलाइन के लिए कि कब वो हमारा इम्प्लीमेंट होगा, और अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो वो सॉर्ट आउट किया जाए। ये जो टैक्टिक्स है हमारी के बेट एंड स्विच, ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल नाउ। वी हैव ऑलरेडी वेटेड फॉर सो लॉन्ग। प्रशासन से बात हो चुकी है, कई हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जाके मिल के आए हैं, हम लोगों को वर्बल अश्योरेंस बहुत मिला है, बट हम चाहते हैं कि अश्योरेंस नहीं अब इम्प्लीमेंटेशन हो। कभी यहाँ पर छात्र धरने पर बैठे हैं, कभी कर्मचारी धरने पर आते हैं अपनी डिमांडों को लेकर, आज डॉक्टर धरने डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मदद सामने जो इनकी डिमांडें लगातार बढ़ रही हैं? डिमांड तो देखिए हमारी ये है कि हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, लेकिन अब अपनी राइट्स के लिए हमें भी लड़ना पड़ेगा। क्या वजह है जो सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई हो रही है, बुलाते हैं, बात करते हैं, लेकिन जो वर्बल हम लोगों का, हाँ हम लोगों को वर्बल अश्योरेंस मिल रहा है, वो हमें अब नहीं चाहिए। हम 6 साल से वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप हम लोग डिसाइड करके फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। डॉक्टर शहना।